आपका हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एडवांस में था आपका ना। तो इसीलिए आपको कॉल किए हम। तो जैसे कि आपका जो है बायोलॉजी में मार्क्स आपका कम आया हुआ है, तो क्या करें, फिर आपका क्रॉस लग जाएगा ना। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। अच्छा अच्छा पूछ। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आपने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुना है, मैंने वो रिकॉर्डिंग को पूरा मैं सुना रहा हूं इस वीडियो में, और मैं बता रहा हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और आपके साथ भी हो सकता है। देखिए, आपको पता नहीं हो तो मैं भी क्लास 12 का इस बार एग्ज़ाम दिया हूँ, और क्लास 12 का एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पास मॉर्निंग में ही 9-10 बजे के आसपास एक कॉल आता है, और उससे मेरा दिमाग हिल जाता है कि क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। और मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस कर दी थी क्योंकि पता नहीं था कि मेरा यही इस चीज़ से कॉल रिलेटेड है। तो इसलिए शुरू में उन्होंने बोला कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ी और बातें हुई वो जो मिस हो गया। तो चलिए बिना समय गवाए इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, और क्या क्या उन्होंने बोला उसको हम पूरी तरह से देख लेते हैं। देखिए, आपको मैं सुना रहा हूँ। अच्छा, तो आपका हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एडवांस में देखिए, तो इसीलिए आपको कॉल किए हम। तो जैसे कि आपका जो है बायोलॉजी में मार्क्स आपका कम आया हुआ है, तो क्या करें, फिर आपका क्रॉस लग जाएगा। ओ भाई, मेरा तो नर्सरी में भी कभी क्रॉस नहीं लगा, और क्रॉस लग जाएगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, और सुनिए आगे क्या है। क्रॉस लग जाएगा बायोलॉजी में। जी हाँ, सी कितना मार्क्स है? कितना मार्क्स है बायोलॉजी में? आपका 26 मार्क्स है। 26 मार्क्स, हाँ, ओवरऑल या अच्छा। तो क्या, तो फिर क्या करें, तो फिर आपका क्रॉस में लग जाएगा ना, इसीलिए आपको कॉल किया। अच्छा, आपका देखिए पापा का भी नाम जान रहा है। तो क्या करें, फिर से देखिए आपको 5000 लगेगा, और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा आपका। ओह माय गॉड, टुरुला। क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा क्लियर? आपका रिजल्ट पास करा दे हूँ। अच्छा, उसमें पास करा दीजिए, 5000 रुपया देंगे तो। देखिए आपका फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा। थर्ड डिवीजन से? जी, फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन से। जी, मैं ऐसे रिएक्शन दे रहा हूँ कि जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ उस तरह से उसको, मैं ऐसे ही, मेरे को पता था कि रुपया ही मांगेगा। तो देखिए और सुनिए क्या क्या बोला। 5000 रुपया कहाँ पर देना है? वो तो आपको मेरे अकाउंट पे आपको देना पड़ेगा। आपके अकाउंट पे आप आइए, हाथ से हाथ ले लीजिए, अच्छा रहेगा। मैंने बोला हाथ हाथ ले लो, अच्छा रहेगा, तो ना देखेंगे कौन है। मतलब ये मेरा, अच्छा एक छोटी चीज बताए, कहाँ में कॉपी चेक हो रहा है? मतलब कॉपी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में चेक हो रहा है? आपका बेगूसराय है? भाई थोड़ा इस जगह पे ना सरप्राइज हो गया था कि कहाँ कॉपी बताऊँ। तो देखिए वो क्या बोलता है, पटना में होता है, इसको मालूम नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कॉपी चेक होता है, और उस डिस्ट्रिक्ट में ही भेजा जाता है। मेरे टीचर तो बोले थे कि मैं बेगूसराय में ही चेक करता हूँ, पता नहीं इनको पटना में ही हो रहा है बोल रहा। तो सभी आपको 5000 रुपया देंगे तो कितना नंबर दे दीजिएगा बायोलॉजी में? भाई को 100 बोलो तो 100 भी दे देंगे, क्योंकि भाई के अंदर सब कुछ है ना। आपका 43 कर देंगे। 43 कम ही बोला, तो फर्स्ट डिवीजन कैसे होगा? हाँ, डिवीजन हो जाएगा, सभी मिला कर आपका। अच्छा, प्रैक्टिकल लगा के ना? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा चुप था उस समय। तो क्या करवाना है, तो ऐसा बोलिए। नहीं। क्या करवाना तो नहीं है हमको, लेकिन आपको जैसा करना है कर दीजिए, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है। बट ऐसा मत क्या कीजिए किसी भी विद्यार्थी के साथ, ये सब इनलीगल चीज है, ठीक है।
आप लोग कर रहे हैं ये बहुत गलत चीज कर रहे हैं। जो भी हैं आप जहाँ से भी हैं आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीजें आप 5,000 रुपया लीजिएगा, पास करा दीजिएगा, फर्स्ट करा दीजिएगा, मतलब कुछ भी है आपके पास ये देखिए इसे सही लग रहा है आपको, आप खुद रियलाइज कीजिए। आप ही एज ए स्टूडेंट, नो एज ए टीचर, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। इसके बाद कुछ बकवासें हैं जो मैंने उसको समझाया और मेरा तो अभी इतना गुस्सा आ रहा, मन कर रहा कि आपको मैं नंबर सबको दे दूं कि आप कॉल करके इतना कुछ बोलो, यार क्या बंदा था यार। चलो कोई नहीं, आप लोग हमसे नंबर भी लेना चाहते हैं तो मैं, मूड ख़राब है, नंबर दे दूं तो नंबर लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि दे ही दूँ, पर्सनल में किसी को दूँगा और दे दूँगा, ज़रूर दूँगा, मैं वादा करता हूँ कि नंबर ज़रूर दूँगा इसका। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा और ये सभी जानकारी रखती है, इस तरह से आपको कभी भी कॉल आ सकता है तो इससे अपना बच के रहिएगा, क्योंकि देखिए मैं भी 12th में हूँ, आप भी 10th में, ऐसे आएगा और 5,000 रुपया आप दे दिए, अगर ऑनलाइन पेमेंट कर दिए तो फिर ये कभी देगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड कितना सिक्योर रखता है। देखिए उसमें कभी पापा का नाम लिखा हुआ ही नहीं था कॉपी में, तो उसको कैसे पापा का नाम पता चला, मम्मी का नाम कैसे पता लगा, ये सब देखिए कॉलेज से कहीं से संपर्क करके लाता है हमें लगता है। तो इसी तरह से आप लोग इससे बच के रहिएगा, यही मेरा इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि उनको भी ऐसा कॉल आ सकता है तो कभी वो इसमें नहीं फंसे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।